आगे बढ़ते हैं। गुलाबी नगर में हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत, पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने ये शुरुआत की है। दिल्ली रोड स्थित होटल शिव विलास में ये आयोजन। आज से गुलाबी नगरी में पर्यटकों के लिए स्काई टूरिज्म का नया आकर्षण। सचमुच धर्मेंद्र राठौर ने पर्यटन के मायने बदल दिए हैं। पैलेस ऑन व्हील संचालन, पर्यटन निगम की बीमार इकाइयों का जीर्णोद्धार और जल्द ही क्रूज टूरिज्म की भी शुरुआत हो सकती है। तो राजस्थान में चाहे वो स्काई टूरिज्म हो या फिर क्रूज टूरिज्म हो, उसकी शुरुआत होगी। ऐसा किसी ने सोचा तो नहीं था, लेकिन अब राजस्थान में आने के जो पर्यटकों के मायने हैं वो बदल जाएंगे। उनके लिए चाहे वो थल हो, चाहे वो स्काई हो और चाहे वो क्रूज टूरिज्म हो, हर तरह का टूरिज्म उन्हें लुभाएगा और यही कोशिश लगातार की जा रही है पर्यटन विभाग की तरफ से। पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने ये शुरुआत की है। दिल्ली रोड स्थित होटल शिव विलास में आयोजन इसका किया जा रहा है। आज से गुलाबी नगरी में पर्यटकों के लिए स्काई टूरिज्म का नया आकर्षण। सचमुच धर्मेंद्र राठौर ने पर्यटन के मायने बदले हैं, क्योंकि राजस्थान में पर्यटन के बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन इन अवसरों को कैसे बनाया जाए, या यूं कहें सरल शब्दों में कि कैसे पर्यटन को जो पूरी दुनिया है, विश्व है, उस तक पहुंचाया जाए, बताया जाए कि राजस्थान में देखने लायक, घूमने लायक और खूबसूरती कितनी ज्यादा है और पर्यटकों को यही लुभाने की कोशिश की जा रही है। चाहे अब वो पैलेस ऑन व्हील्स हो, चाहे फिर वो स्काई टूरिज्म हो, चाहे वो अलग अलग जो महल हैं, किले हैं, उनका जीर्णोद्धार करना हो, उनको प्रमोट करना हो, टूरिज्म को प्रमोट करना हो अलग अलग तरीकों से, चाहे वो हम अलग अलग जगहों पर बनाया। वो ऐसे व्यक्ति, इस व्यक्तित्व के धनी धर्मेंद्र राठौड़ हमारे साथ बैठे हैं। राठौड़ साहब, पहले तो बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई कि आपने जयपुर को स्काई टूरिज्म की शुरुआत दी है। राजधानी जयपुर के गुलाबी नगर के इस वैभव को आसमान से निहारना निश्चय ही पर्यटकों के लिए एक बड़ा ही आनंद की अनुभूति होगी। किस रूप में इसको आपने यहाँ तक पहुँचाया और आगे किस तरह की योजनाएं हैं? देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन के इस बार जो बजट दिया है उसी से ये सारी संभावनाएं बनी हैं। RTTC की होटलें एक बार पूरी तरह से मृतप्राय हो गई थी, पैलेस ऑन व्हील बंद पड़ी थी और कोरोना ने तो टूरिज्म को मार दिया था एक तरह। उसी की बदौलत है कि आज पहले सोन व्हील पटरी पे दौड़ रही है। आज हमारी 10 होटलों का जीर्णोद्धार का काम युद्ध स्तर पे चालू है और हेलीकॉप्टर जॉय राइड जो हमने जैसलमेर से शुरू किया उसके रेस्पॉन्स को देखते हुए हमने पुष्कर में भी अब इसको आगे बढ़ाया और आज हम गुलाबी नगरी जयपुर को आपके माध्यम से पूरे जयपुर वासियों को दिखा रहे हैं कि क्या पर्यटकों की जो मांग थी बेहद पुरानी, ये बहुत ही पॉपुलर मांग है और बहुत मतलब एक्साइटेड मोमेंट्स हैं ये। तो जयपुर वासी को ये सौगात हमने दी है। हम समझते हैं आने वाला टाइम में और भी टूरिज्म सेक्टर में जो काम हो सकेंगे वो हम जरूर करेंगे। एक बड़ी मांग रही है शुरू से कि हेलीकॉप्टर या एयर कनेक्टिविटी धार्मिक पर्यटन स्थलों की रहे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की रहे, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप थल और नभ में पहुंच चुके हैं, जल में कब उतरेंगे और धार्मिक पर्यटन को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ना कब तक मुमकिन हो पाएगा? उसके ऊपर पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं कि खाटू श्याम जी राजस्थान का सबसे पॉपुलर धार्मिक स्थान है, सालासर बालाजी धार्मिक स्थान, उसका ऐसे ही जयपुर में जो जयपुर के गोविंद देव जी, मतलब जितने भी जो धाम हैं, चाहे वो देवनारायण भगवान का भीलवाड़ा में बहुत बड़ी मान्यता है, रामदेवरा की मान्यता है, लोक देवता तेजा जी की है, महाराणा प्रताप की यह धरती है, पन्ना धाय की है।